नर्मदापुरम था, हुसंग शाह लुटेरा था। मुझे बताओ ना, हुसंग साहब के कौन बाप दादे हैं वो कह रहे हैं कि हुसंग साहब ईमानदार थे। आए लुटेरे, बेटियों की इज्जत लूटी, मठ मंदिर तोड़े, धर्म स्थलों को अपवित्र किया, भोजपुर के शिवालय तक को अपवित्र किया। आज भी भोजपुर का शिवालय इस बात का प्रतीक है कि शिखर नहीं है, जिस शिवालय पर आज भी खंडर वहां दिखता है। ये किसने तोड़ा? हुसंग शाह ने तोड़ा। और हम लुटेरे के नाम पर नगर रखे और आजादी के बाद रखे, धिक्कार है हमारी जिंदगी को। लोग हमारे मोड़ा मोड़ी हमसे पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे कौन हुसंग शाह है? कम से कम ये तो बता सकते हैं कि हमारे कंठ से जो निकली है वो नर्मदा है, जिसका जल पीकर हम जिंदा है वो माँ नर्मदा है, जिसके पानी से मध्य प्रदेश के खेत और खलियान लहलाते हैं वो माँ नर्मदा है, और जिसकी जीवन रेखा माँ नर्मदा है उसके नाम से अगर नगर पुकारा जाएगा। हालांकि सरकार ने वहां नर्मदापुरम संभाग बनाया है, लेकिन वहां के नागरिकों ने अब मांग शुरू कर दी है कि होशंगाबाद का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम के नाम से ही पुकारा जाए। ये अच्छी बात है। कब तक जय औरंगजेब हुसंग शाह जैसे लुटेरों के नाम से देश में नाम चलते रहेंगे? बहुत जगदीशपुर पहले कर दिया है, सरकारी रिकॉर्डों में भी उसका नाम आ गया है।